हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं फाइनली माइनक्राफ्ट सर्वर के अंदर खेलने वाला हूं, जो कि जावा एडिशन है। और जो मोबाइल में मैं खेलता हूं वो पॉकेट एडिशन वाला है। और यार, पॉकेट एडिशन के अंदर आप अगर कोई भी फॉर्म बनाना है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह से हमने सर्वर बनाया है ताकि हम जो भी मोबाइल में खेलते हैं, हम दोस्त लोग, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और मैंने आखिरी वाली वीडियो में भी बताया था कि मैंने इस सर्वर में पहले भी एक वीडियो जबरदस्त वाली बनाई थी यार, और मैंने गलती से वो वाली वीडियो को डिलीट कर दी थी। लेकिन लेकिन आज वो वाली वीडियो का थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्ट बना रहा हूँ वापस से, जो कि है मेरे जो विलेज में दोस्त लोग हैं उनके घरों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। जब वीडियो शुरू हुई थी, जिस घर पे मैं सो के उठा था वो भी घर मेरा नहीं है, वो मेरे दोस्त का घर है। यहाँ पे बड़ा वाला घर जो दिख रहा है आपको, ट्री हाउस कम जो कि स्पेसशिप है यहाँ पे, वो मेरे दोस्त का है। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा विलेज दिखा देता हूँ, जो कि मेरे को कद्दू भी कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों को कोई और जगह नहीं मिली थी स्नो बैम के अलावा, क्योंकि यहाँ पे विलेज मिल गया था। इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे स्नो बोएम में जीना पड़ता है। भाई, मेरे को स्नो बोएम थोड़ा सा भी पसंद नहीं है यार, लेकिन बस मेरे दोस्तों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और थोड़ा सा आगे आने के बाद मेरी फ्रेंड ने एक एकदम नेक्स्ट लेवल वाला यहाँ पे फार्म बना रखा है, जो कि है फूड फार्म। कभी भी जाओ भाई, यहाँ पे आपको इतना भर भर के फूड मिलेगा ना, नेक्स्ट लेवल वाला। अभी यहाँ पे मैंने सबका घर दिखा दिया, लेकिन लेकिन अभी आपके भाई का घर दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे को स्नो बायोम क्यों नहीं पसंद है। भाई साहब, एक सेकंड पहले स्नो नहीं हो रही थी, यहाँ पे फिर से स्नो हो गई। और इस वाली गेम में मेरे को स्नो कद्दू भी कुछ पसंद नहीं है। और यार, ये मेरा घर आ चुका है, आलीशान वाला घर, जो कि कहीं से भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपका भाई कभी भी यहाँ पे सोता नहीं है। भाई, दूसरों के घर में सो के उठता हूँ मैं। क्यों सोता हूँ, किस लिए सोता हूँ दूसरों के घर में, ये मत पूछना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है क्यों सोता हूँ मैं। घर को सजाने के नाम पे मैंने ढेर सारे पम्पकिन को लगाया है घर के अंदर, और हर तरफ मैंने खाली चेस्ट को लगाया है, जो कि कभी ना कभी भर जाएंगे। कब भरेंगे मेरे को भी मत पूछना, भर जाएंगे कभी ना कभी थोड़े से। तो चलिए, बस आज के लिए टूर इतना ही है, कभी और दिखा लेंगे, जो कि कुछ नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक आयरन फार्म, आयरन फार्म, आयरन फार्म। और मैं फिर से डीजे वाला क्यों बन गया मेरे को भी नहीं पता, बस बन चुका हूँ यहाँ पे। और जिसको भी आयरन फार्म के बारे में नहीं पता है ना, उनको बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या है आयरन फार्म। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी चीजें चाहिए ये वाले फार्म को बनाने के लिए, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ही कलेक्ट कर लिया था। तो अभी यहाँ पे बस मेरे को ऊल चाहिए बेड्स बनाने के लिए। अभी बस मैं यहाँ पे शीपों को गंजा कर रहा हूँ ताकि मेरे को ऊल मिल जाए बेड्स बनाने के लिए। यहाँ पे आता हूँ, किसी और ने यहाँ पे ऑलरेडी फेंस लगा रखा है घर बनाने के लिए। मेरे को लगा कि मेरे दोस्त लोगों ने यहाँ पे फार्म के लिए अच्छा खासा एरिया बना रखा है, ताकि डेकोरेशन में मेरे को समय ना लगे। और आधा फार्म बनाने के बाद मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, व्हाट्सएप में मैसेज आ रखा था कोऑर्डिनेट्स के साथ कि मेरे को फार्म कहाँ पे बनाना है। उसके बाद बस मेरे को एक ही बात रियलाइज होती है, जिन दोस्तों के बारे में मैंने अच्छा सोचा ना कि वो मेरे को हेल्प किए हैं डेकोरेशन के लिए, और मैं गलत था, इतने भी अच्छे नहीं है जितने मैंने सोचा था इनको। ओ भाई, मैंने 4 मिनट वेस्ट किए यहाँ पे बस मेरी बकवास सुनाते हुए। लेकिन अभी शुरू करते हैं फार्म बनाने का। आपको तो पहले यहाँ पे 8 ब्लॉक्स ऊपर आना है। 8 ब्लॉक्स ऊपर आने के बाद 5x5 का आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है। जहाँ पे आप खड़े हो वहां से आपको 2-2 ब्लॉक आगे प्लेस करना है। उसके बाद जो भी आपने ब्लॉक को प्लेस किया है ना, दो दो, उसको आपको चारों साइड से कनेक्ट कर देना है, जो कि अभी मैं दिखा रहा हूँ कनेक्ट कैसे करना है। और आपका यहाँ पे 5x5 का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जब एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, उसके ऊपर आपको, मैं जैसे यहाँ पे बेड्स को प्लेस कर रहा हूँ ना, वैसे ही आपको भी बेड्स को प्लेस करना होगा। तो गाइज, उसके बाद जिस साइड आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए ना, उस साइड से आपको एक ब्लॉक छोड़ के एक वर्टिकली एक बेड को प्लेस करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने प्लेस किया है। सेकेंड बेड आपको हॉरिजेंटली लगाना होगा, और बाकी 3 बेड्स को उनके सामने आपको ऐसे लगा देना होगा। उसके बाद जो चारों साइड जगह बची हुई है एक एक ब्लॉक की, उसके ऊपर आपको फिर से एक एक ब्लॉक को प्लेस करना होगा चारों साइड।
उसके बाद आपको ग्लास को लेना होगा, जहां पे आप खड़े हो ना उस वाले से आपको दो हाइट ब्लॉक ग्लास को लगाना होगा, और यहाँ पे मेरे ग्लास खत्म हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे सैंड इकट्ठा करने के लिए जाता हूँ। और उससे पहले मेरी LMG देख लो यार, यहाँ पे क्या ही खतरनाक वाली LMG। लेकिन उसके बाद और एक खतरनाक वाली LMG होती है आगे जाके, वो भी देखना। और मैं यहाँ पे सैंड जो कलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग किया है, कलेक्ट करने का इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को ना लगे कि हमने क्रिएटिव से लेके आए हैं। और यार ये वाला जो सर्वर है हम लोग क्रिएटिव नहीं कर सकते, इसलिए भाई बच्चों से विनती है, क्योंकि बच्चे इतना दिमाग लगाते हैं ना। और मैंने बताया था ना कि मेरे को कब पता चलता है कि मैंने गलती किया है, यहाँ पे जब यहाँ पे पांडा ज्वाइन द गेम बोल के आता है ना, तब मेरे को पता चलता है कि मैंने गलती किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा तोड़ता हूँ इस वाली जगह से, दूसरी जगह बना के मिलता हूँ। जब आप ग्लास की दो हाइट की एक वॉल बना देते हो ना, जिस साइड से खड़ के आपने वर्टिकली एक बेड को प्लेस किया था, उस साइड आपको यहाँ पे एक चेस्ट लगानी होगी। लगाने के बाद आपको तीन होपर्स ऐसे चेस्ट से कनेक्ट कर देना होगा। यहाँ पे मैंने गलती किया था, इसकी वजह से मैं तोड़ के कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है ना कि आपने सही प्लेस किया या नहीं, कनेक्ट करने के बाद हर एक होपर के अंदर कुछ ना कुछ सामान डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप एक बार चेस्ट को चेक कीजिएगा, चेस्ट के अंदर पूरा सामान आ गया है ना तीनों होपर का, तो तब आपने सही से कनेक्ट किया है। अदरवाइज अगर आपने सही से कनेक्ट नहीं किया है ना, तो आपका चेस्ट के अंदर नहीं आएगा, होपर में ही अटक के रहता है। उसके बाद कोई भी सॉलिड ब्लॉक लेके उस वाले प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली बंद कर देना होगा आपको। यहाँ तक तो आपका फॉर्म इजी था, इसके बाद वाला पार्ट है ना विलेजर्स को इसके अंदर लेके आना होगा। भाई मेरी फटके चार हो गई थी यहाँ पे। अगर आपके पास रेल है ना तो इजी हो जाएगा आपको यहाँ तक विलेजर्स को लेके आने के लिए। बस दो ही विलेजर्स लेके आना, उसके बाद यहाँ पे ब्रीड करा लेना आप। उसके बाद मैं जाता हूँ जेल को कैदियों को लेके आने के लिए, विलेजर्स को लेके आने के लिए विलेजर हॉल से। और इस वाले विलेज में बस पांच ही कैदी थे, पांच ही विलेजर्स थे, दो कैदी दो विलेजर्स कहाँ पे गए मेरे को नहीं पता। यहाँ पे बस हम दो ही मिलते हैं, तो दो को लेके आते हैं और एक को वही पे छोड़ देते हैं। दो को लेके आने के बाद हम लोग ढेर सारा पोटैटो देते हैं। पोटैटो देने के बाद आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक बच्चा आ चुका है, बच्चे को यहाँ पे खाना दे देता हूँ, क्योंकि आई लव किड्स, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके एक वफादार कैदी बनेगा, वफादार विलेजर बनेगा, इसलिए मैं उनको खाना दे रहा हूँ। उसके बाद हमने ढेर सारे पोटैटोज देते हैं, तो बहुत सारे विलेजर्स हो चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं विलेजर्स को लेके जा रहा हूँ रेल की मदद से। भाई साहब बता रहा हूँ ना, मेरे पास कम रेल्स थे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ही भटकता हूँ ना, इधर के तोड़ के उसको लगाता हूँ, उधर के तोड़ के इसको लगाता हूँ, फाइनली एक कैदी विलेजर को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी बैठ चुका है यहाँ पे। इसको धक्का देता हूँ, धक्का देने के बाद ये विलेजर चला जाता है। और मेरे को बता रहा हूँ ना, इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, किसी ने सोची नहीं होगी इतनी खुशी हो रही थी। फाइनली मैंने एक विलेजर को लेके आ गया बोल के। भाई साहब इतना तंग करके रखा था ना इस वाले विलेजर ने यहाँ तक आने के लिए, भाई साहब मैंने कट कर दिया है यहाँ पे। बैठने के नाम पे कद्दू भी कुछ नहीं बैठ रहे थे भाई, वो माइनक्राफ्ट के अंदर इतना परेशान किए थे, लास्ट में जाके वो बैठे हैं। एक विलेजर को तो मैंने लेके आ गया यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड विलेजर को भी लेके आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे वफादार कैदी विलेजर्स को खाना दे देता हूँ यहाँ पे। और यार ये विलेजर्स तो दिन में ही शुरू हो चुके हैं, मेरे को शर्म आ रही है यहाँ पे देखने के लिए। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ यार यहाँ पे, और विलेजर को एक बंदी मिल चुकी है। विलेजर्स को लाने के बाद जहाँ पे आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना ऊपर, वहां से आपको चारों साइड तीन वॉल हाइट की एक वॉल बनानी होगी। वॉल को ही आपको यूज करना पड़ेगा, कोई भी अदर ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते आप वहां पे। उसके बाद आपको अंदर जाके जहां पे आपने होपर्स लगाया है ना, उनके ऊपर आपको यहां पे सेन बोर्ड को लगाना होगा। जैसे मैं लगा रहा हूं ना आप वैसे लगाइए, क्योंकि यहां पे आपको लावा डालना होगा।
साइन बोर्ड की मदद से आप लावा को रोक सकते हो यहाँ पे स्प्रेड होने से, क्योंकि अगर स्प्रेड हो गया तो वो बेकार हो जाएगा, फॉर्म स्प्रेड नहीं होना चाहिए। साइन बोर्ड पे जो आप लावा ला के डालोगे ना, वो किलिंग चेंबर होगा। जो भी गोलन यहाँ पे आएगा वो पानी के फ्लो से यहाँ पे आके टच होगा। टच होने के बाद जो भी लावा रहता है उससे जल के मर जाएगा, और जो भी स्नो बायोम में रहता है उनका पानी यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जो आपकी 3 वॉल की हाइट है उसके ऊपर से आपको 3 या 4 हाइट पे स्लैब्स लगाने होंगे, अदरवाइज आप ट्रैपडोर्स भी यूज कर सकते हो ताकि मॉब्स पान ना हो ऊपर और आपका पानी भी फ्रीज नहीं होगा। ये बस स्नो बायोम वालों के लिए है और दूसरों को कोई भी जरूरत नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे गॉड लेवल LMG करते हुए आपका भाई LMG गॉड बन जाएगा ऐसे ही अगर करता रहूं तो, क्योंकि आपका भाई पापा प्लेयर है इस वाले गेम में। उसके बाद आखिरी काम है जो कि लावा को डालना होगा यहाँ पे सेन बोल्ट पे। मेरे को नहीं पता क्या ही लॉजिक होगा उठ के ऊपर मैं लावा डालूं तो भाई जल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जलेगा नहीं, लावा रोक के रखेगा। और डालते समय आप प्लीज शिफ्ट को दबा के रखना, अदरवाइज आप जल जाओगे गोलन से पहले। उसके बाद जो भी आपने टेम्पररी ब्लॉक्स को यूज किए थे फार्म बनाने के लिए उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी मॉब स्पॉन हो जाएंगे। यार बस पूरा फार्म बन चुका है, यहां से आपको दिखाने वाला हूं कैसे लग रहा है फार्म। और यहां पे आपको दिखा रहा हूं एक गोलन भी जल रहा है जैसे ही मैं ऊपर आता हूं। और यहां पे आपको दिखाने के लिए मेरे दोस्त से मैग्नीफाइंग ग्लास ले रहा हूं जो कि कभी मैं लौटाऊंगा नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अपने माइनक्राफ्ट दोस्तों से शेयर करना। और यार एक न्यू SMP सर्वर बनाएंगे, आप सब लोग खेल सकते हो हम दोस्तों के साथ, तो जल्द से जल्द मैं वो वाली वीडियो बना के ट्राई करता हूँ डालने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, फिर से बता रहा हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।